नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज शाला। साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। नई दिल्ली हावड़ा रेलवे रूट पर शुक्रवार तड़के एक मालगाड़ी के 22 डिब्बे अचानक पटरी से उतर गए। इससे इस रूट पर ट्रेनों का संचालन ठप हो गया। अप और डाउन दोनों ट्रैक बाधित हो गए हैं। हावड़ा राजधानी कानपुर शताब्दी समेत कई ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। कई गाड़ियों का रूट बदल दिया गया है। ट्रैक ठीक करने का काम किया जा रहा है। रेलवे ने उच्च स्तरीय जांच कराने के आदेश दिए हैं। दिल्ली से कानपुर की ओर आ रही खाली मालगाड़ी शुक्रवार तड़के करीब 4 बजे अंबियापुर रूरा स्टेशन के बीच बेपटरी हो गई। तेज आवाज के साथ मालगाड़ी के 22 डिब्बे पटरी से उतर गए। दुर्घटना के बाद सभी स्टेशनों को मैसेज दिया गया कि अप और डाउन की सभी ट्रेनें जहां तहां रोक दी जाएं। कानपुर में हावड़ा राजधानी कानपुर शताब्दी समेत 7 ट्रेनें सुबह 5:15 बजे से ही खड़ी हैं। मालगाड़ी अंबियापुर रेलवे स्टेशन के पास अचानक पटरी से उतर गई। लोको पायलट ने मालगाड़ी को रोकने का प्रयास किया, लेकिन गाड़ी रुक नहीं पाई, जिसमें 3 वैगन पास से गुजरी दिल्ली हावड़ा रेल लाइन की पटरियों पर जा गिरे। वहीं 5 वैगन दूसरी ओर तालाब में जा गिरे। लोको पायलट व गार्ड ने तुरंत घटना की जानकारी कंट्रोल रूम को दी। हादसे की जानकारी होते ही नई दिल्ली हावड़ा रेल रूट पर अप व डाउन लाइन पर ट्रेनों का संचालन बंद कर दिया गया। वहीं जीआरपी के साथ रेलवे स्टाफ और तकनीकी टीम रेलवे ट्रैक को ठीक करने में जुट गए हैं। डाउन लाइन पर मालगाड़ी की बोगियां पटरी से उतरने के कारण झिंझक स्टेशन पर दिल्ली से कानपुर की तरफ जा रही ऊंचाहार एक्सप्रेस सुबह 4:09 पर झिंझक स्टेशन पर पहुंची। ट्रेन 7:35 तक स्टेशन पर खड़ी रही। बाद में ट्रेन को अप लाइन पर लाकर वापस इंजन जोड़कर इटावा भेजा गया। तो साथियों, फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं न्यूज शाला। धन्यवाद।